हेलो फ्रेंड, जीएसटी से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी ₹50,000, डिस्काउंट परसेंट 20%, जीएसटी परसेंट 28%, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अमाउंट ऑफ बिल। नाउ फ्रेंड, इन दिस प्रॉब्लम आपको अमाउंट ऑफ बिल फाइंड आउट करना है, जबकि जो ट्रांजिशन है वो दिल्ली टू जयपुर है। दिल्ली टू जयपुर का मतलब हो गया टू डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है। टू डिफरेंट स्टेट का मतलब हो गया कि ये इंटर स्टेट की बात है। तो इंटर स्टेट के केस में जो आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा वो आईजीएसटी होगा, जबकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके निल हो गए, क्योंकि इंटर के केस में आपका जीएसटी सेंट्रल कलेक्ट करता है, जिसको हम कह सकते हैं इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसके साथ सबसे पहले डिस्काउंट वैल्यू निकालना है। तो 50,000 का हम डिस्काउंट वैल्यू अगर लें तो सिंपली डिस्काउंट आपका 20% है, तो 20% का हमने डेसिमल वैल्यू ले लिया, तो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.20। अब इसकी मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 और जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ आफ्टर टू प्लेस डेसिमल और आपके पास वैल्यू आ गई 10,000। तो डिस्काउंट वैल्यू हो गई ₹10,000। नाउ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करके आता है, तो सिंपली आपका हो जाएगा 40,000। यानी डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट होगा, पेइंग अमाउंट, वो ही आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो फ्रेंड सिंपली हमने एमआरपी में से डिस्काउंट वैल्यू को माइनस कर लिया, ये हो गया। नाउ सीजीएसटी इंटर का केस है, तो ये आपका निल। एसजीएसटी ये भी आपका निल। आईजीएसटी 28% पूरा हो जाएगा, पूरा लिया जाएगा। तो अब 40,000 का 28%, इसकी भी हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं, 28 4 100 12, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आफ्टर टू प्लेस डेसिमल और ये आ जाएगा 11,200। तो आपका जो आईजीएसटी हो गया वो गया 11,200 रुपीज। नाउ अब बिल, बिल के लिए आपका सेलिंग प्राइस और प्लस टैक्स यानी कि आईजीएसटी, और इन दोनों को ऐड कर लिया, ये 51,200 रुपीज ये अमाउंट ऑफ बिल होगा। ओके फ्रेंड, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ये चेक किया कि हमारा इंटर का केस है या इंट्रा का केस है। दिल्ली टू जयपुर यानी कि इंटर का केस है, तो इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका निल होगा, आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। ये फाइनल होने के बाद हमने डिस्काउंट निकाला, डायरेक्टली परसेंटेज की डेसिमल वैल्यू ली, 20/100 यानी कि 0.20। अब इससे मल्टीप्लाई कर लिया और यहां पर टू प्लेस पर डेसिमल और आपकी ये वैल्यू आ गई 10,000। सेलिंग प्राइस निकाला, सिंपली एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर लिया, ये 40,000। ये दोनों ने आईजीएसटी कैलकुलेट किया, 40,000 ऑफ 28% मींस 0.28। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका आ गया 11,200। नाउ बिल में आपका सेलिंग प्राइस और जो टैक्स होगा ये ऐड होगा, यानी जो पेइंग अमाउंट होगा वो आर्टिकल का, सिंपली जो सेलिंग प्राइस है वो और प्लस टैक्स, ये दोनों बायर्स को पेड करना होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा ₹51,200। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।